भारतीय रेलवे गति और प्रगति की मिसाल। पिछले 4.5 वर्षों में इसने रचे हैं कई कीर्तिमान। अपने उपलब्ध संसाधनों के इस्तेमाल से इसने एक बार फिर बनाया है नया रिकॉर्ड। दुनिया में पहली बार वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ने बदला है 2x2612 HP डीजल लोकोस को उच्च अश्व शक्ति के 10,000 HP ट्विन इलेक्ट्रिक लोको में, जिसमें लगे हैं सिर्फ 69 दिन। और ये सब संभव हुआ है मेक इन इंडिया के तहत। क्यों है ना गर्व की बात। आइए आपको इस डीजल से इलेक्ट्रिक में बदले इंजन की कुछ खूबियों के बारे में बताते हैं। इस रूपांतरण से परिवर्तित विद्युत लोको की ट्रैक्शन पावर यानी इसकी जो क्षमता है उसमें 92% की बढ़ोतरी हुई है। ये इंजन पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होने के साथ साथ 86 टन की ट्रैक्टिव एफर्ट उपलब्ध कराएगा, जिसके कारण अधिक भार वाली मालगाड़ियों की औसत गति में काफी वृद्धि होगी। इसके इस्तेमाल से ईंधन की भी बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। और एक बात जो इस इंजन को और भी खास बनाती है वो है इसकी पहले से कम लागत। मतलब ये इंजन समय, ईंधन और पैसे तो बचाएगा ही, साथ ही प्रकृति का ख्याल भी रखेगा। कुल मिलाकर इस इंजन द्वारा रेलवे और देश के विकास को मिलेगी नई गति। आज भारत की ओर पूरा विश्व देख रहा है। अब सीमित संसाधनों में ही बड़े और ऐतिहासिक बदलाव हो रहे हैं। 10,000 HP का ये इंजन उन उदाहरणों में शामिल है जो मेक इन इंडिया की ताकत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस इंजन को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। जय हिंद।